जैसे किसी को कैंसर होता है, मरीज आते हैं आपके पास और वो लोग फिर कई बार कहते हैं कि वहां कोई बाबा जी हैं, और ये भी चल रहा है, वो हाथरस वाला भी केस चल रहा है। इसी बहाने पूछूंगा कि साहब आयुर्वेद में वहां इलाज हो रहा है, ये उस टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, चाहे तो क्या लगता है आपको? देखो मैंने बताई आपका ये बेसिक मैकेनिज्म बताई, कैंसर कैसे डेवलप होता है, स्लो स्लो डेवलप होता है, बॉडी की सेल्स डैमेज होती है, धीरे धीरे जाके वो कैंसर में कन्वर्ट होती है। सो मुझे किसी पे आयुर्वेदिक पे कमेंट नहीं करना, लेकिन आयुर्वेदिक मतलब क्या होता है, अपनी आज नेचर की चीजें हैं, जड़ी बूटी, उनको अपने बॉडी में अडेप्ट करना एक तरह से। वास्तव में जो एक्चुअल आयुर्वेदिक ही है, हालांकि एक्चुअल आयुर्वेदिक बहुत कम बचा हुआ है, जहाँ पे आधे से ज्यादा जगह तो वो मिक्स करके दे रहे हैं। आपके जो आपको खिला रहे हैं, आपको दे नहीं रहे कि हम क्या खिला रहे हैं। कोई प्रोडक्ट पे नाम नहीं लिखाता है कि ये दिया, इस चीज की जड़ी बूटी है, नीम की जड़ी बूटी है, क्या है, जो भी है, लिखा ही नहीं होता, उस पर कुछ भी नहीं लिखा। आपको देते हैं पैक करके कि आप लीजिए, ये जो भी हो XYZ। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। आप जैसे आज आयुर्वेदिक डॉक्टर के जाओ, जुकाम हो रखा है, या आयुर्वेदिक किसी पास जाओ, तो क्या करते हैं, स्टेरॉइड का इंजेक्शन। हाँ, ये वो इंग्लिश है तो फास्ट इंप्रूवमेंट आएगा, हम देते नहीं, स्टेरॉइड का नहीं दे सकते क्योंकि हमें पता जुकाम में नहीं देना, तो इंग्लिश वाले का असर नहीं आता। फिर देखो आयुर्वेदिक, फिर आप क्या बोलोगे, देखो आयुर्वेदिक ऐसा करते हैं, मतलब खूब सारे ऐसा करते हैं, तो आपके देखो आयुर्वेदिक वाले से तुरंत आराम आ गया, वो अंग्रेजी वाले का आराम ही नहीं आएंगे, अंग्रेजी वाले से। सो ये प्योर आयुर्वेदिक बचा नहीं है। दूसरा मिक्स देते हैं, तो मिक्स में कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आता है। तीसरा आयुर्वेदिक का डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कैंसर में रोल है, लेकिन लॉन्ग टर्म बॉडी को डैमेज रोकने के लिए, लॉन्ग टर्म बॉडी को, लेकिन उसको कैंसर रिवर्स करने में बहुत टाइम लंबा लगता है। तो जब कैंसर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट लेना है, साथ में ट्रीटमेंट जब खत्म हो जाए तो वो चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं अपने नेचर की सारी चीजें, आयुर्वेद मतलब नेचर। ठीक है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ, कई लोग करेंगे सब चमत्कार हो गया, ऐसा कोई आया? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है कि देखो सर आपने ये ट्रीटमेंट एडवाइज किया था, मैंने आपका नहीं लिया, वो वहां वाला लेके मैं एकदम क्योर होके आ गया, आपने गलत बोला था। अभी तक ऐसा कोई नहीं है बोलने को, जैसा आप भी किसी ने बोल दिया कि मैंने वो सुना था, ये सुना था, लेकिन अभी एक्चुअली में एविडेंस में कि कोई पेशेंट आके बोल दे कि देखो सर मैंने, आपने ये बोला था कि कीमोथेरेपी या सर्जरी, मैंने कुछ नहीं करवाया, मैं एकदम ठीक हो गया वहाँ से ट्रीटमेंट लेके। सो ऐसा कोई भी अभी तो मेरे पास आया नहीं, आएगा नहीं तो मैं भी उसमें फिर स्टडी करूंगा डेफिनेटली।